Hey guys, so मेरा नाम है चंद्रशेखर और आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू और इंस्टॉलेशन में करूंगा लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल का। ये क्या है, ये है अपना फ्री ओपन सोर्स एसएसएल है। ये लेट इनक्रिप्ट जो है वो फ्री ओपन सोर्स एसएसएल प्रोवाइड करवाती है और ये काफी अच्छा है, सिक्योर है। और अगर मैं बात करूँ तो ये 90 डेज तक इसकी वैलिडिटी रहती है, लेकिन ये बाद में फिर रिन्यूअल हो जाता है अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर जो है उसमें अगर सी पैनल में इनके अगर लेट इनक्रप्ट है तो फिर ये आपका रिन्यूअल कर देंगे और ये इंस्टॉल कर देंगे इजिली। सो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से ये जरूर पूछिए कि क्या उनके में सी पैनल में लेट इनक्रप्ट है, और अगर है तो फिर बहुत आसान होगा करने में इंस्टॉल, अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप स्विच कर रहे हैं किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर में तो एक बार जरूर उनसे ये पूछिए कि लेट इनक्रप्ट क्या वो सपोर्ट करते हैं। सो लेट इनक्रप्ट जो है उसमें ये रहता है कि HTTPS जो रहता है वो ओपन सिक्योर हो जाएगा आपका, तो काफी अच्छा है। और HTTPS जो है SEO के लिए काफी बेनिफिट है, सिक्योर आपकी वेबसाइट। और दूसरी बात मैं करूँगा कि अगर फ्री और पेड में, अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि फ्री और पेड में क्या अंतर है, तो फ्री में ये है और पेड में ये है कि दोनों तो सेम सिक्योरिटी देते हैं, ये तो है, लेकिन फ्री में ये है जो लेट इनक्रिप्ट वाले जो दे रहे हैं वो है डोमेन वैलिडेशन। सो सिर्फ और सिर्फ डोमेन वैलिडेशन दे रहे हैं, वाइल जो पेड है उसमें आपको डोमेन वैलिडेशन और वाइल पेड में जो है वो आपको डोमेन वैलिडेशन और ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन और ईवी एक्सटेंडेड वैलिडेशन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब पेड में, पेड में काफी वैरायटीज भी रहती हैं, काफी तरह के फीचर्स उसमें रहते हैं, सो जो कि फ्री में नहीं रहते। लेकिन फ्री में ये है कि फ्री में बेनिफिट भी है, उसमें आपका एक तो $0 लगता है, कोई भी एक रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप पेड में जाते हैं तो पेड में ये रहता है कि आप उसको परचेज करिए, कोई भी एसएसएल को परचेज करिए $10 के ऊपर एसएसएल कोई भी परचेज करिए, फिर उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड आईपी आपको लेनी पड़ती है जो कि $2 से $2.5 का रहता है पर मंथ। तो आप देख सकते हैं कि $24 से $26 का तो ये अपना सालाना सिर्फ आईपी हो गया। उसके बाद फिर आपको एसएसएल लेना पड़ता है, फिर उसको आप इंस्टॉल करिए, बहुत तरह की चीजें उसमें करनी पड़ती है, तब वो जाके फिर आपका एक एसएसएल कंप्लीट होता है। तो ये होता है पेड के साथ, पर फ्री के साथ ऐसा है कि फ्री में वर्डप्रेस में जो दिखाऊंगा डेमो वो वर्डप्रेस में ही रहेगा, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत आसान है, इसको यूज करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टेप है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए पूरी जानकारी मैं उसमें देता हूँ इस दूसरी वाली स्क्रीन में, इससे छोटे से शॉर्ट इंट्रो के बाद। गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल को अपने वर्डप्रेस में। ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको अपने वेब होस्टिंग जो है उसका सी पैनल में आपको जाना है, सी पैनल इस तरह का रहता है, सी पैनल में आपको ये जाना है, फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी कॉलम रहता है, या नीचे भी रहेगा या ऊपर रहेगा, ये डिपेंड करता है आपके सी पैनल सेटिंग्स के ऊपर। तो ये सिक्योरिटी के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लेट इनक्रिप्ट एसएसएल करके, कि लेट इनक्रिप्ट एसएसएल को आप दबाएंगे, इसको ये तभी होगा इनेबल्ड जब आपका वेब होस्टिंग प्रोवाइडर जो है उनने वहाँ पे किया होगा इसको इंस्टॉल। और फिर उसके बाद जाने के बाद फिर आप ये देख सकते हैं काफ़ी लिस्ट आ जाएंगी या डोमेन्स की, जो जो भी आपने अपने डोमेन्स जो डाल के रखे वो आ जाएंगे सब डोमेन्स इसमें। तो इसमें से फिर ये डिपेंड करेगा कि किस में आपको ये इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं, जैसे मेरे को एक्सप्लोर गिज़्मो में इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे जाके इशू का बटन दबाऊँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट आ जाएगी अपना, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे पेज में ऐसा आता है यहाँ पे पूरा कहाँ कहाँ आपको इंस्टॉल करना है। तो मेरा है नहीं mail.explorer.gizmo.in, तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा। अगर आपको यूज़ करना है मेल को, अपनी ईमेल स्क्रिप्ट को इसमें, तो आप उसको फिर कर सकते हैं जब आप अपना सब डोमेन इसमें बना लेंगे तब। तो अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर गिज़्मो और www में ही करूँगा, यानी कि www और विदाउट www में मैं इसको सिक्योर करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद फिर जाके फिर ये HTTP/01 दिया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर इशू का बटन दबा देंगे। थोड़ा सा समय रुकना पड़ेगा उसके लिए, ये थोड़ा सा समय लेता है इशू होने में। और आप देख सकते हैं कि ये हो गया है
जो कि पूरा ये दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अब जो है अब अपने वर्डप्रेस में जाइए। वर्डप्रेस में मैं ऑलरेडी लॉग इन, अब ये देख सकते हैं कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है, कुछ भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया। ये देखिए कुछ भी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, ये अभी मैं वेबसाइट में बना रहा हूँ अपने इस चैनल की। सो आपको जाना है प्लगइन में, प्लगइन में जाने के बाद ऐड न्यू करके इसको दबाइए, फिर यहाँ पे आप लिखिए SSL। और फिर ये इंस्टॉल करना है रियली सिंपल SSL, तो इंस्टॉल इसको करिए। जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर एक्टिवेट का बटन दबा दीजिए। अब ये इंस्टॉल हो गया है तो ये बोल रहा है कि यहाँ से आप उसको शुरुआत अपनी कर दीजिए, तो गो अहेड और एक्टिवेट SSL को बटन दबाइए। इसके लिए आपको लॉग इन भी करना पड़ेगा आगे इसके। तो अब जब ये हो गया अपना SSL एक्टिवेटेड हो गया है, सो अब आप अगर मैं आपको लेके चलूँ, ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं ये आ गया सर्टिफिकेट, ये cloudflare ssl.com, ये कमोडो से है इनका टाइप, तो ये यहाँ से इसको SSL आपका एक्टिवेट हो गया है। सो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं जब होम पेज में मैं जाके दिखाता हूँ, ये देखिए होम पेज में भी अब ये HTTPS हो गया है। सो ये बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना, लेट्स एनक्रिप्ट SSL को। तो मैं बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, सेफ़ एंड सिक्योर है ये, कमोडो का है ये, इनसे टाई अप है इनका, तो काफ़ी बहुत अच्छा है इसका। सो कि जितने ब्लॉग हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये 90 डेज़ के लिए ही वैलिडिटी, उसके बाद ये फिर ये रिन्यूअल हो जाएगा आपके होस्टिंग प्रोवाइडर के ज़रिए। सो मेरा यही आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। मैं आने वाले और समय में मैं और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसमें अपलोड करके बताऊँगा मैं इसको। तो जब तक के लिए बाय।